हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवर होम। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बनाने की रेसिपी। कढ़ाई पनीर का जो सीक्रेट है वो फ्रेंड्स इसका मसाला है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी इस वीडियो में। तो देखते हैं इसको बनाना कैसे है। कढ़ाई पनीर बनाने का जो सीक्रेट है वो है इसका मसाला। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका जो मसाला है वो मेन है, हम तैयार कर लेते हैं इसको कि इसको बनाना कैसे है। तो इसके लिए हमें चाहिएगा फ्रेंड्स इस तरह से 3 चम्मच के करीब सूखा धनिया, इसके साथ ही चाहिए 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच हमें चाहिए काली मिर्च, और इसके साथ 3 से 4 हमें लाल देगी मिर्च चाहिए साबुत, और इसके साथ ही हमें 3 से 4 ये लौंग चाहिए और छोटी इलायची हमें चाहिए 2। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें अपने पैन को कर लेना है गरम। इसमें हम ये सारे मसाले डालकर रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम ताज़ा मसाला भूनकर उसकी कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं, जैसा कि आपने हलवाई को भी देखा होगा कि वो अपना मसाला उसी वक्त प्रिपेयर करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और जब हम मसाले को भून लेते हैं तो फिर इसका जो एरोमा होता है वो हमारी सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लेकर आता है। तो इस तरह से हमें जो सारा सीक्रेट है वो है ये मसाला जो कि हम बनाएंगे, जिससे हमारी कढ़ाई पनीर बनेगी बहुत ज़्यादा यम्मी। तो इसको भून लेते हैं इस तरह से 2-3 मिनट के लिए। मसाला है जो वो भून के तैयार हो गया है फ्रेंड्स, तो इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, तब हम इसको पीसेंगे। यहाँ हम ले रहे हैं एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, तेल को गर्म करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ तैयारी करके रखी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रफली कट करके हमने ये प्याज रखा हुआ है, उसके साथ ही अदरक को ग्रेट कर लिया है हमने, लहसुन की कलियाँ हैं थोड़ी सी तो उनको भी हमने इसी तरह से रखा है, टमाटर हैं वो भी हमने डाइस में काट लिए हैं क्योंकि इनको हमको पीसना ही है सारी चीज़ों को, तो इसलिए हमने इनको मोटा मोटा चॉप करके रख लिया है। तो अब हम करते हैं इनको थोड़ा सा फ्राई। तो तेल हमारा हो गया है गरम, यहाँ हम अपनी प्याज को सौते करेंगे इस तरह से। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे ये अदरक और ये लहसुन की कलियाँ, तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम इसको थोड़ा पकाएंगे जिससे प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स, इसको पकाने के लिए जल्दी से हम कुकिंग प्रोसेस फास्ट करने के लिए डाल रहे हैं इसमें नमक डाल देते हैं, और इस तरह से डाल रहे हैं ये टमाटर, इनको हल्के से चलाएंगे इस तरह से। इसके साथ ही हमें ऐड कर देने हैं इसमें काजू, 1 मुट्ठी के करीब आप काजू इसमें ऐड कर दीजिए, और इसको तब तक पकाइए तब तक जब तक कि आपका जो टमाटर है वो सॉफ्ट ना हो जाए अच्छे से। और फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है वो पिसके हो गया है तैयार, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं इस तरह से एक प्लेट में। इसको ही हमें यूज़ करना है, हमें एक्स्ट्रा इसमें मसाले नहीं मिलाने हैं कुछ भी। हाँ, तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो हमारा जो ये प्याज और टमाटर का मसाला है वो वो अच्छे से भून के हो गया है तैयार। तो हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में इस तरह से और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको पीसेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो हमने सेम पैन में ही कर लिया है तेल, तो तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तब तक फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो इधर इस तरह से हमने शिमला मिर्च और इस तरह से प्याज को क्यूब में कट कर लिया है। तो ये हमने एक प्याज ली है और एक शिमला मिर्च को कट करके इस तरह से ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, इसको हल्का सा सौते करेंगे। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, के साथ ही हमारी जो प्याज है वो थोड़ी सी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें ये बेल पेपर डाल देंगे,
इसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो हमारा जो मसाला है वो ठंडा हो गया है, तो हम इसको कर लेते हैं ग्राइंड। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो हमारा जो मसाला है वो पिस गया है। तो फ्रेंड्स हमारी शिमला मिर्च जो है वो भी सौते हो गई हैं, तो हमारा जो मसाला है जो हमने पीस के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे जो हमने प्यूरे पीस के रखी है वो। और फ्रेंड्स इसके साथ ही हम जो जार में बचा हुआ मिक्सर था उसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी आधा चम्मच के करीब, और एक चम्मच के करीब हमें ऐड करनी है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। इसको इस तरह से चला लीजिए। और इसको पकाना है हमें 3 से 4 मिनट के लिए, तो हम इस तरह से इस पर लगा देते हैं लिड और इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, यहाँ हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा नमक और इसके साथ ही कसूरी मेथी, और इस तरह से मिलाते हुए इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे, जब तक कि हमारी ग्रेवी जो है वो ऑयल ना छोड़ दे। इस तरह से हमें पनीर को कट कर लेना है और इस क्यूब को हम कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई। और हाँ तो फ्रेंड्स हमारा जो पनीर है वो फ्राई हो गया है, तो हम इसको निकाल लेते हैं इस तरह से। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो हमारी जो ग्रेवी है वो बनके तैयार हो गई है कढ़ाई पनीर की, तो अब हम इसमें ये पनीर के पीसेस ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से थोड़ा सा मिलाएंगे। और इस पर थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निशिंग करेंगे इस तरह से। और ये हमारी कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी तैयार है। बहुत ही डिलीशियस कढ़ाई पनीर बनकर आता है फ्रेंड्स, इस तरह से इसे बनाइए और इसी तरह मसाले के साथ टेस्ट आप भूले नहीं भुलाएंगे फ्रेंड्स, ये पक्की बात है। इसको आप रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। नान के साथ बहुत ही डिलीशियस कॉम्बिनेशन है इसका फ्रेंड्स, तो बस देर किस बात की, ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। और आप इसे ट्राई करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बनाइए खाइए एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।